दोस्तों ये है हमारा होम थिएटर, ठीक है। अगर इसमें आपको चलाना है यानी कि इस पर ऑन करना है एफएम रेडियो, तो कैसे आप ऑन करेंगे प्रॉपर तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कोई सा भी होम थिएटर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो भी होम थिएटर होगा उससे आपका मतलब यहाँ पर होम थिएटर में एफएम रेडियो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको तो वायर लगाना है, ठीक है। ये जो वायर होता है इसमें उसको लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपका यहाँ पर लाइट आ जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम में आपका यहाँ पर ये लाइट आ गया, ठीक है, होम थिएटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बटन, ठीक है। ऐसे देखो, एक यहाँ पे होता है वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का होता है, एक होता है बेस का, ठीक है। जिस छोटा बड़ा से छोटा जो है वो होता है बेस के लिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर क्या एक एक बटन यहाँ पर शो कर रहा है पी पी स्कैन, ठीक है, पी पी स्कैन एक शो हो रहा है। उसके बाद फिर हो रहा है मोड, ठीक है, मोड शो हो रहा है। उसके बाद फिर शो हो रहा है क्या, प्रीव टी यू, ठीक है। उसके बाद हो रहा है नेक्स्ट टी यू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चारों बटन को मैं समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे होता है कि इसको तो स्कैन करने में काम आता है, ठीक है, स्कैन होता रहता है अपने आप। इसको इसको दबा दोगे आप तो कोई भी जो गाना होता है चल रहा होता है वो अपने आप से चेंज होते रहेगा, ठीक है, चेंज होते रहेगा। आपको जो भी पसंद आएगा फिर गाना, फिर बाद में उसी को स्कैन बटन दबा देंगे तो उस गाना पर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर, पहले समझाऊंगा ये जो प्लस नेक्स्ट जो होता है ना, इससे तो पहले गाने को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ाया जाता है, इससे पीछे किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका गाना चल रहा है इससे आगे बढ़ा दो, इससे पीछे कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड बटन दिख रहा है, ये होता है मेन, ठीक है, एफएम रेडियो के लिए। इसको दबाते ही आपका एफएम रेडियो ऑन होगा, देखना अभी इसको ऑन करूँगा तो घिर 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 करके ऑन होने लगेगा, देखना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ऑन हो चुका है एफएम रेडियो। यहाँ पे आपका स्टेशन धराना है, ठीक है। ये जो स्टेशन यहाँ पे होता है ना 87.5 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपको 93 पता नहीं क्या क्या जो स्टेशन नाम होता है, आपको जो भी 98.3 जो होता है, जो भी आपका स्टेशन नेम होता है उस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले बटन से, ठीक है। यहाँ पर 10 और बढ़ाओगे तो फिर एक, देखो यहाँ पर शायद स्टेशन पकड़ा था, यहाँ पे शायद पकड़ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पड़ेगा, 98 पे ही पकड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 98 तक लेके जाओगे इसे दबाते दबाते, तो वहाँ पे लगभग पकड़ने लगेगा स्टेशन, 90 से ऊपर में पकड़ने लगता है, ठीक है, इससे नीचे में नहीं पकड़ेगा लगभग आपका। यहाँ पे अगर इसको फिर बंद करना होगा, अगर इसको दोबारा से अगर यहाँ से बंद करना है आपको, तो बंद करने के लिए फिर आपको यहाँ पे मोड बटन का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मोड बटन का प्रेस कर देंगे तो ये अपना एफएम रेडियो जो होता है ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये देखो दोस्तों बंद हो चुका है, तो इसी से ऑन भी होता है, इसी से ऑफ भी होता है, ठीक है। और स्टेशन धराने का तरीका तो मैं बता दूँ, उसके बाद भी अगर आपका प्रॉपर तरीके से स्टेशन नहीं पकड़ रहा है, बज नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे जाने के बाद आपको कई सारे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कई सारे वायर यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, तो इस वायर में से आपको ढूंढना है जो एंटीना वाला जो होता है एफएम रेडियो के लिए, ठीक है। एफएम रेडियो के लिए यहाँ पे तार देख रहे हो तो एंटीना लिखा हुआ, ANT लिखा हुआ है ना, तो इसमें एंटीना है, पतला सा तार निकला हुआ रहता है, हर होम थिएटर में होता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं होता, काम ऐसे निकाल के छोड़ जाता है। इसको करना क्या होता है कि होम अगर आपका एफएम रेडियो नहीं बज रहा है तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ कनेक्ट करके और इसको एंटीना सा कुछ भी अगर ऊपर में निकाल देना है, ठीक है। आप जैसे रेडियो में कैसे होता है एक छड़ सा होता है, सलिया सा लगा होता है ना, उसको इसी में कनेक्ट करें, किसी में लोहे में या किसी एल्युमिनियम में इसको ऊपर में चढ़ा देना है, ठीक है, काफ़ी आपका छत तक, और वहाँ से आपको एक कैच कर लेगा, ठीक है, एंटीना पकड़ लेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपका कैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको समझ लो कि आपको आपके या तो फिर आपका गांव एरिया होगा या तो फिर उस एरिया में रेडियो एफएम होम थिएटर से नहीं पकड़ेगा आपको, ठीक है। तो यही बेस्ट तरीका है, अगर ये इससे अगर नहीं पकड़ा तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा इससे, आपको इससे 100% पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यही था एफएम रेडियो ऑन करने का, ठीक है। इससे आप सब कुछ सुन सकते हो, मैच वगैरह सब कुछ सुन सकते हो, प्रोग्राम वगैरह सब कुछ सुन सकते हो, इसमें सब कुछ दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए था मैं इसमें कई सारे सवाल आए थे एक नए वीडियो में, मैं इसको लेके आया हूँ सब कुछ बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोग सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपके पास आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।